बस इतना ख्याल रखिएगा, मेरा नाम आपकी जुबान पर कभी नहीं आना चाहिए। अब ये बताओ उस बच्चे की माँ कहाँ कहाँ? लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी कोई आदेश भी जारी नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला बलदेव सिंह से जुड़ा है। एक सरकारी डॉक्टर है, डॉक्टर आरती, हमें उनके बारे में सारी जानकारी चाहिए। आप अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये डॉक्टर आरती अपना मुंह कैसे नहीं खोलेगी? इतनी बड़ी जायदाद को बचाने के लिए शारदा जी 5 करोड़ से भी ज्यादा का ऑफर दे सकती है। आरती तो इस प्रस्ताव को सुनकर परेशान हो गई थी रजनी। 5 करोड़ 10 करोड़ की रकम चाहे जितनी भी बड़ी हो आदित्य, लेकिन बलदेव सिंह की जायदाद के आगे वो बहुत छोटी रकम है। तुम आरती को समझाना कि किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है और इस जायदाद पर सिर्फ मेरा या मेरे बच्चे का अधिकार नहीं है बल्कि तुम दोनों भी इस जायदाद के भागीदार हो। आप मुझे हिस्सेदार तो बना रही हैं रजनी, लेकिन वो हिस्सा मेरे हाथ में आएगा कैसे, मुझे कैसे मिलेगा? तुम्हारे और आरती के यकीन के लिए तुम जो कहो मैं वो कागजात बनवाने को तैयार हूँ। तुम दोनों को लालच देने की कोशिश आज हुई है, वो कोशिश आगे भी हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कोई इतना नहीं दे सकता जितना मैं देना चाहती हूँ। ठीक है रजनी जी, जब बात छिड़ी गई है तो आप ये भी बता दीजिए कि जायदाद में हमारा हिस्सा कितना हो। 20%। तुम बलदेव सिंह की जायदाद के 20% के मालिक हो। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते आदित्य कि बलदेव सिंह की जायदाद का 20% कितनी बड़ी रकम है। ठीक है रजनी जी, मुझे मंजूर है। मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें और आरती को लालच देकर कोई बहका नहीं पाएगा। एक तरफ शारदा जी हैं और दूसरी तरफ बलदेव जी की ओर से रामेश्वर जी आरती को लालच देकर उगलवाना चाहते हैं सच्चाई। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मैं बलदेव जी की ओर से आपको एक प्रस्ताव रखता हूं, आप बस उस बच्चे का पता बता दीजिए, इसकी इवज में आपको 5 करोड़ मिलेगा। सोच लीजिए, इस काम के लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दिलवाता हूं। 5 करोड़ कमाने में हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाए, लेकिन आप फिर भी 5 करोड़ नहीं कमा पाए। कि बलदेव सिंह उस बच्चे के बारे में जानने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते, कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो सकते। बस यही सोचकर रजनी जी ने हमें यह नहीं बताया है कि उन्होंने ब्रज को कहां रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता लग चुका है कि यह वही बच्चा है जिसे तुमने बचाया था। अब जब सभी को इस बारे में पता है तो मुख्यमंत्री जी से यह बात कब तक छुपी रह सकती है? मैं जानना चाहती हूं, जिस बच्चे की बात सामने आई है ये वही बच्चा है ना जिसकी जान आपने बचाई? आप ठीक सोच रही हैं। अब ये बताओ उस बच्चे की माँ कौन है? सॉरी मैम, ये बात तो मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन ये बात मुझे जाननी है, किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर। एक मुख्यमंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी कोई आदेश भी जारी नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला बलदेव सिंह से जुड़ा है और इस मामले में रजनी जी को खुलकर सामने आना ही पड़ेगा। एक बात तो तय है आदित्य, कि गुपचुप तरीके से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री जी के लोग इस सच्चाई तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लें।
रामेश्वर जी आप? जी हाँ, पहले मैंने सोचा कि आपको फोन कर दो, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि फोन करना खतरनाक हो सकता है। आप तो जानती हैं कि रजनी वर्मा अब मंत्री बन चुकी हैं, उनके हाथ पांव कहां तक फैले हुए हैं इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि उन्होंने आपका फोन सर्वेलेंस पर लगा रखा हो, आपकी सारी बातें रिकॉर्डिंग होती हो, इधर हमें आप बताएंगे बच्चा कहाँ है उन्हें फौरन पता चल जाएगा, फिर ना आपके बताने का कोई फायदा ना हमारे जानने का। वैसे डॉक्टर साहिबा, अब तक तो आपने फैसला कर ही लिया होगा। आप बात समझ नहीं रहे हैं रामेश्वर जी। आप बात नहीं समझ रही हैं डॉक्टर साहिबा, 5 करोड़ की अहमियत आप समझ नहीं रही हैं। 5 करोड़ की बहुत वैल्यू होती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये बात जानने के बाद भी आपको नहीं बता रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रजनी वर्मा से उगलवाना चाहें तो वो आपको बता देंगी कि बच्चा कहाँ रखा है। अरे आप एक औरत है, शास्त्रों में लिखा है कि औरत को कोई आज तक जान नहीं सका, उसकी क्षमता का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा आपको लगता है रामेश्वर जी? मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन रजनी वर्मा से ये नहीं उगलवा सकती। वो बहुत दूर की सोचते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो आज मंत्री नहीं होती। कैसी बात कर रही हैं आप, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मैं तो कहता हूं कि आप सीधा उनके घर पर चले जाइए, वहां बैठ जाइए, रोइए चिल्लाइए, बोलिए कि मुझे लगता है कि ब्रज ठीक जगह पर नहीं है, आंसू बहाइए। अरे उनको बोलिए कि जब तक मैं ब्रज को नहीं देखूंगी मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। और फिर देखिए रजनी वर्मा खुद आपको बच्चे के पास ले जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कहां है, आपको पता चला तो हमें भी पता चल जाएगा। अरे भाई मैं तो ये सोच रहा था कि अब तक आपने सारे तरीके अपना लिए होंगे और पता भी लगा लिया होगा। नहीं, मैं राजनीति में नहीं हूं ना, इसलिए शायद अब तक ये तरीके नहीं समझ पाए और इन पे अमल भी नहीं कर पाए। माफ कीजिएगा रामेश्वर जी, आपको यहां से मायूस होकर ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ब्रज कहां है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप फोन उठाइए और उन्हें लगाइए और उनसे उगलवाने की कोशिश कीजिए कि बच्चा कहां है। जाने दीजिए ना रामेश्वर जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैं 5 करोड़ की लालची नहीं हूं कि रजनी वर्मा से फोन पर उस बच्चे का पता पूछ लूं ताकि आप उसे मार दें। अरे नहीं नहीं आरती जी, कैसी बात कर रही हैं? मुझे और यकीन दिलाने की कोशिश मत कीजिए। 2 साल पहले जब आप उस बच्चे को मारने की कोशिश कर सकते हैं तो 2 साल बाद क्यों नहीं? मुझे ना आप पर भरोसा है और ना उन पर। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि जिस बच्चे को मैंने जिंदगी दी, मैंने अपने सीने से लगाकर पाला, मैं उसका पता आपको बता दूंगी ताकि आप जाएं उसे उठा लाएं और जो चाहे करें। आप कहते हैं औरत की बहुत क्षमता है, उसे समझ पाना नामुमकिन है, लेकिन मुझे तो लगता है रामेश्वर जी कि आप ही मुझे नहीं समझ पाए। माफ कीजिएगा रामेश्वर जी, अब आपको ब्रज का पता जानने के लिए इस घर के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, आप जा सकते हैं।
अगर डॉक्टर आरती इस बात को बताना नहीं चाहती है तो क्या उसे मजबूर कर ये सच्चाई उगलवाई नहीं जा सकती? मैं इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती बहू। ऐसा ना हो आगे जाकर इस मुद्दे को मैं संभाल ना पाऊँ। तो फिर कैसे पता लगेगा माँ जी? तुम कह रहे हो कि बलदेव जी उस बच्चे को मारने की साजिश कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है इसमें बलदेव जी का नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ का हाथ है। आप कैसे कह सकती? पहले हम डॉक्टर आरती को सिर्फ एक डॉक्टर समझते थे, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि उस बच्चे को बचाने वाली डॉक्टर आरती, यानी डॉक्टर आरती उस बच्चे को भी जानती है और उस बच्चे की माँ को भी जानती है और उस बच्चे की माँ को भी जानती है, बच्चे की माँ को भी जानती है। और बलदेव जी पर उस बच्चे की माँ का ही दबाव है, जो वसीयत को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर आरती बलदेव जी के संपर्क में नहीं है, लेकिन उस बच्चे और उस बच्चे की माँ के संपर्क में जरूर है और उस बच्चे को मारने की साजिश उसी औरत ने की थी, जिसके कहने पर डॉक्टर आरती ने तुम्हें अबॉर्शन की दवाई दी। ये सब मैं इसीलिए कह रही कि इस बात को लेकर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि बलदेव जी इसी घर में हैं। बलदेव जी तुम्हारे बच्चे के दुश्मन नहीं है। हाँ, ये समझ सकती हूँ उस औरत के दबाव में आकर वो मजबूर हो चुकी है, लेकिन माँ जी मजबूरी में ही तो इंसान कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई और कोशिश कामयाब हो पाएगी। लेकिन फिर भी ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर वो बच्चा और उसकी माँ है कौन? जब इतनी सारी बातें सामने आई हैं तो वो बात भी जरूर सामने आ जाएगी। तुम्हें पता है धीरे धीरे राजनीति में ये विषय एक चर्चा बन चुकी है, पर मुझे पता है अपने अपने तरीके से सब इस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। जी गिरधारी लाल जी, हम जानते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे, इस बात की भनक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि बलदेव सिंह जी को भी नहीं लगनी चाहिए। हम आपसे फिर से कह रहे हैं, इस बात की भनक किसी को ना लगे, ठीक है गिरधारी लाल जी? जी धन्यवाद। नमस्ते मेघनाजी। नमस्कार दीप्रत जी। अच्छा हुआ आपने गिरधारी लाल जी को भी आगाह कर दिया, इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि बलदेव सिंह जी को भी नहीं। जी देवव्रत जी, आखिर हमें आपकी सलाह माननी ही पड़ी और इसमें विभाग की भी मदद लेनी ही पड़ी। इसमें कोई बुराई नहीं, हमारे विभाग में काम करने वालों की जानकारी लेना सही भी है और जरूरी भी, और वो भी ऐसी हालत में जब डॉक्टर आरती इस पूरे मामले में केंद्र बिंदु बनी हुई। जी देवव्रत, क्या आपको लगता है कि हम डॉक्टर आरती के बारे में जो जानकारी निकाल रहे हैं उससे ये साबित हो पाएगा कि वो किससे मिली हुई है, या फिर वो बच्चा जिसकी वजह से इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है वो कौन है, कहाँ है? मेघना जी, मैं मानता हूँ कि आज हम अंधेरे में, मगर ये अंधेरा जल्द से जल्द छट जाए जब हमें मालूम पड़ेगा कि ये डॉक्टर आरती कौन है। कोई ना कोई सुराग हमें जरूर मिल जाए। हम भले ही सच्चाई तक ना पहुंच पाए, मगर सच्चाई तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर मिल जाएगा। और मेरा दावा है, इस बात के बाद ये भी साबित हो जाएगा कि आरती और रजनी वर्मा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कैसे मना करना है कि वो रजनी वर्मा का नाम अपनी जुबान पे ना लाए, अब ये देखना तो रजनी वर्मा का काम है। जिंदगी भंवर है। क्या कर रही हो आरती?
बलदेव जी तो बड़ी जल्दबाजी में सारे मामले को जल्दी जल्दी खत्म कर देना चाहते। हाँ लेकिन तुमने मना कर दिया ना। हाँ और सुनो, अब किसी का भी फोन आए तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ रजनी जी से सारी बात फाइनल हो चुकी है। हाँ हाँ मैं घर आकर बताता हूँ। चलो भाई। रामेश्वर जी और आरती में बहुत बहस हुई है, आरती से उसका फैसला जानने के लिए। सोच रहे होंगे 5 करोड़ का लालच देकर सारी जानकारी निकलवा लेंगे। लेकिन रजनी जी, आरती ने साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन आरती को उनसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि उसे नहीं पता है कि वो बच्चा कहाँ है। जी, आरती तो इससे भी आगे बढ़कर बोली है। उसने रामेश्वर जी को साफ साफ कह दिया कि मुझे अगर पता भी होता ना तो भी मैं नहीं बताता। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बलदेव जी किस कदर बेचैन हैं। बेचैनी तो उन्हें होगी, ये मामला उनके गले की हड्डी जो बनने वाला है। आज वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज तक दूसरों का इस्तेमाल करने वाला आज खुद इस्तेमाल हो रहा है। आज तक वो दूसरों का इस्तेमाल करते रहे, आज उनके इस्तेमाल होने की बारी। अब वो इस्तेमाल होंगे। फिलहाल बलदेव जी को जितना भागना है ना, उन्हें भाग लेना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजनी जी आप। बलदेव जी भी महसूस कर रहे होंगे कि आपकी सोच उनकी सोच से कितनी आगे चल रही है। हाँ, उनके पास वक्त ही तो नहीं है मेरी सोच को समझ पाने का। लेकिन मैंने उनकी सोच को जाना है, उसको समझा है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि वो कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन उनके हाथ नाकामयाबी ही लगेगी। रामेश्वर जी को इस काम पर लगाया है ना उन्होंने, रामेश्वर जी की नाकामी होने अच्छी तरह से समझाएगी कि अब उनकी नहीं चलने वाली, अब वो होगा जो मैं चाहती हूं। मैं नमस्कार बलदेव जी। नमस्कार। आपकी मायूसी ये बता रही है कि शायद आप फिर से एक बार नाकाम होकर आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सिर्फ एक उम्मीद बाकी थी कि डॉक्टर आरती से हमें उस बच्चे का पता चल जाएगा, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूट चुकी है। यानी कि डॉक्टर आरती ने बच्चे का पता बताने से मना कर दिया। हाँ, 5 करोड़ का प्रस्ताव दिया था मैंने उसे, जो कि जिंदगी में उसने 5 करोड़ कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी उसने बच्चे का पता बताने से इनकार कर दिया। पहले भी वो ईमानदारी का ढोल पीटा करते, और अब भी वो ईमानदारी पर ही अटकी हुई है। ऐसी ईमानदारी पर ही तो शक होता है बलदेव जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि रजनी वर्मा ने डॉक्टर आरती को इससे भी बड़ा प्रस्ताव दिया होगा। हो सकता है कि रजनी वर्मा की नजर मेरी सारी जायदाद पर, और वो ये सारी जायदाद उस बच्चे के नाम करवाना चाहती है। वैसे बलदेव जी, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा कि आपकी जायदाद कितने 100 करोड़ की। रामेश्वर जी, मैं तो अपने जेब में पड़े हुए पैसे भी कितना पसंद करता है, तो फिर जायदाद की कीमत समझ कर क्या करूं। हैरानी की बात तो यह है कि मेरी नजर अपने जायदाद पर, लेकिन रजनी वर्मा जैसे लोगों की नजर मेरे जायदाद पर जरूर है। हाँ बलदेव जी, उस जायदाद के हिसाब से ही डॉक्टर आरती के साथ इस बात की डील हुई होगी, इसीलिए डॉक्टर आरती ने 5 करोड़ उड़ा दिया। हमारे लिए रजनी वर्मा से ज्यादा मुसीबत डॉक्टर आरती।
और वो बच्चा रजनी वर्मा का। ये बात भी डॉक्टर आरती के जरिए ही सामने आ सकती, जबकि रजनी वर्मा मुझ पे ये दबाव बनाना चाहती कि मैं उसका नाम खुलने न दूं। वैसे ये एक बड़ी अजीब सी लड़ाई है बलदेव जी, पर इस बात को लेकर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? डॉक्टर आरती रजनी वर्मा के साथ है तो डॉक्टर आरती को कैसे समझाना है, कैसे मना करना है कि वो रजनी वर्मा का नाम अपनी जुबान पे ना लाए? अब ये देखना तो रजनी वर्मा का काम है। दीदी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, प्लीज प्लीज मुझे सौरभ का नाम बता दीजिए। अब ये देखना तो रजनी वर्मा का काम। हाँ, ये भी ठीक है, अगर दोनों साथ में हैं तो रजनी वर्मा डॉक्टर आरती को जुबान खोलने नहीं देगी। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता रामेश्वर इस सच्चाई को किसी भी तरह छुपाया जा सकेगा। बात बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन फिलहाल घर में किसी को ये पता नहीं कि ये सारी लड़ाई रजनी वर्मा के बच्चे को लेकर है। हाँ बोलो सोनाली, कैसी हो? नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन मुझे दिन रात तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी हालत उस घर में वैसी है जैसी बलि दी जाने वाले बकरे की होती है, जिसे ये भी पता होता है कि उसकी बलि दी जाने वाली है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं, पापा जी मेरे साथ नहीं है तो क्या हो? लेकिन माँ जी तो मेरे साथ है ना। बस माँ जी इस बारे में सोचकर परेशान है, आखिर वो बच्चा है कौन, उसकी माँ कौन है? तो फिर कह दो उनसे, पता लगा ले। उन्होंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोई इस बारे में नहीं जानता। लेकिन आप तो इस बारे में जानती हैं। क्या हुआ दीदी, क्या सोचने लगे? दीदी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, प्लीज प्लीज मुझे सौरभ का नाम बता दीजिए। अभी तुमने जितना बताया उतना ही समझ सका, अब आगे बताओ ये बच्चा कौन और बलदेव सिंह का नाजायज रिश्ता कौन सा है? अब आपने हमें बताना उचित नहीं समझा। बलदेव सिंह के घर की महाभारत की पूरी कहानी मुझे पता लग चुकी है।